Your question is how many three digits even numbers? How many three digit even numbers can be formed? Can be formed? ठीक है. तो हमको उसमें क्या करना था? Even number find करना है. ऐसा नहीं कि जो कोई होगा ना even number. ठीक है. और from the digit आपको digit कौन से देंगे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है ना? ठीक है. और कह रहे हैं इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड ना. आप एक डिजिट कई बार यूज कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो चलिए, तो गिवन डिजिट आपके पास कौन है बताइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने डिजिट दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 डिजिट दिए गए. अब 6 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको. कितने डिजिट का नंबर बनाना चाहिए ना? तो 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट के नंबर में कौन प्लेस होगा? 1 प्लेस होगा, 10 प्लेस होगा और 100 प्लेस होगा है. तो क्या करना है हमको? 1 प्लेस फिर करना है, 10 प्लेस फिर करना है और 100 प्लेस फिर करना है ना. इस बाय यूजिंग डी डिजिट्स, इस डिजिट का यूज करते हैं. लेकिन इसमें दो कंडीशन है. आपका जो नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है?
यहाँ भी रेपिटेशन अलाउड है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर सकते हैं। कितने नंबर? 6 तो 6 तरीके हो गए, तो 6 तरीके से भरेगा ना। तो टोटल नंबर आप बेस क्या हो जाएगा बताओ, प्राइम प्रिंसिपल प्राइम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, टोटल नंबर ऑफ 3 डी नंबर क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये ना, क्या करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 3 × 6 × 6 ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 × 36 ना, क्या हो जाएगा 1800 कितना हो गया 108 हां, इतने नंबर, ठीक है। चलिए राइट, और सेकंड पार्ट आपके पास है, रिपीटेशन इज नॉट अबाउट ये होगा।